अज दो मिनट मेरी गल सुन लो ताकि जिस काम वास्ते आप आए हैं मैं प्रेस नूं बेनती करदा कि अज जो असी आए हैं ना तो असी कोई करना है किसे लड़न ना किसे नाल असी कोई गलत गल सिर्फ साडा इको ते इक मकसद है कि पंजाब किवें बचाउणा है ते पंजाब जो भी पंजाब दी धरती दा पानी अन्न पानी खांदा पींदा उहदा फर्ज है कि असी इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़ीए जिहड़ी साडी हक दी ते सच दी लड़ाई है। और की है वाहिगुरू की कृपा नाल मैं इस चीज़ का गवाह। पहला लड़ाई शुरू कितों हुई एमरजेंसी दे विच असी सारे जेलां सां हिंदुस्तान जो एमरजेंसी लगी बाकी सारी लीडरशिप फड़ ली बादल साहब ते टोहरा साहब जयप्रकाश नारायण की कॉन्फ्रेंस चो आ गए वो फड़े नहीं आके असी फैसला किया कि सारा हिंदुस्तान ते द्वारा गुलामी आ रही है ये आपां नूं लड़ाई लड़नी चाहिए। असी अकाली दल ने मोर्चा शुरू करता वो मोर्चे दे शुरू होण करके सारा देश चुप सी अकाली दल रोज अमृतसर तो बंदे भेज रहा सी गिरफ्तारी वास्ते तां सारे बादल साहब टोहरा साहब मैं भी उस वेले एमएलए सां अंदर सां चन्नू बाजर साहब और नौजवान सन ये भी अंदर सन ये फिरोजपुर सी असी बठिंडे सां बादल साहब दिल्ली सी टोहरा साहब भी शायद फिरोजपुर सी तलवंडी साहब जेल सी सारी लीडरशिप जेल सी। उस दे वेले 76 दे विच इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी वेले आके ज्ञानी जैलसर नूं बुला के जिहड़ी 788 क्लाज पाई है धक्के नाल जिहड़ी गैर विधानक है उस दे नाल हक लै ले कि दिल्ली फैसला कर सकदे ने हिंदुस्तान दरियावां दे पानी दा फैसला सूबिआं दा अपना है अपना सूबिआं दा हक है रिपेरियन कानून दे मुताबक ते साडे ये विधान दा जिहड़ा शड्यूल है उहदे मुताबक। उस तों बाद की होया फैसला हो गया असीं जेलां तों बाहर आ गए जेलां तों बाहर आ के दिल्ली दे विच विरोधी गौरमेंट बन गई डसाई साहब प्रधानमंत्री बन गए पंजाब च कांग्रेस नूं छड्ड के आल पार्टी सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन गए। मैं कैबिनेट मिनिस्टर उस वेले एग्रीकल्चर फॉरैसट सॉयल कंजरवेशन मेरे कोल सी इरीगेशन पावर बाल साहब होम हुंदा वगैरह वह सारे उन्होंने कोल सी लेकिन इरीगेशन उन्होंने रखी इस करके सी कि लड़ाई वड्डी है ये मैं लड़नी हैगी इस करके महकमा उन्होंने कोल सी उन्होंने जाके पहला डसाई साहब नूं कहा कि डसाई साहब धक्का हो गया वह कहिंदा बिल्कुल ठीक है पर जदों मीटिंग सद्दी तो राजस्थान ते हरियाणे दे एमपी वध सी ते दिल्ली दे भी एमपी सी सारे सूबे नूं पानी वध गया सी तो वह वध करके वह एक पासे अड़के खड़ के चंगा कहते कर डसाई फैसला वह बाल साहब नूं कहिंदा वी हक थोड़ा है लेकिन मजबूरी है मेरी किधर इन्ने एमपी आ मैं किस तरह कर सकदा इह तां तड़के अपना बिगड़ जू। तो प्रकाश सिंह बादल ने फिर वेट ना किया फिर सा बादल साहब ने 79 दे विच 4 फरवरी नूं शायद तरीक मैनूं सही नहीं लेकिन 4 तरीक है 79 दी सुप्रीम कोर्ट च केस करता सुप्रीम कोर्ट चो केस आपां जित रहे सी 78 क्लाज उड़ रही सी उस वेले की होया कि 80 दे विच आ के दुआरा पार्लीमेंट दीआं वोटां पईआं इंदिरा गांधी फिर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बन गई। 7 सरकारां कट्ठियां तोड़तीआं जिहड़े विरोधी सी जिन्हां पंजाब भी तोड़िया उस टुटण तों बाद चोणां होईआं दरबारा मुख्यमंत्री बन गया प्रकाश सिंह बादल विरोधी पार्टी दा लीडर बन गया। उस वेले दुआरा ये आ गया कि हुण इंदिरा गांधी फैसला करेगी तो मैं कहना चाहुंदा प्रेस नूं डिबेट घटा लो अपोजिशन पार्टी दी ते सरकार दी सरदार दरबारा सिंह नूं प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सरदार दरबारा सिंह मैनूं पता लग्या कि इंदिरा गांधी तेथों दस्तखत कराऊगी पाणियां ते मैं अज तैनूं कहण लग्या कि देखी पाणियां ते दस्तखत करदे पंजाब नाल धोखा करदे मैं विरोधी पार्टी दा लीडर हाँ असीं 48 MLA सां विरोधी पार्टी दे प्रकाश सिंह बादल लीडर सी दरबारा सो कांग्रेस का मुख्यमंत्री सी ते जे तां पानी दे दस्तखत करते ये पंजाब दे दरियावां च पानी नहीं बिकदा बिकना ये नहर च पंजाब दे लोकां दा खून बगेगा इस नहर च डिबेट कढ़ा लो उहदी स्पीच दे आंसर ने मैं प्रेस नूं भी कहना चाहुंदा डिबेट कढ़ के देख लो। उस तों बाद की होया सुणो तुहानूं मैं फैक्ट्स क्योंकि बिच सी मैं उस वेले भी MLA सी वजीर बन आ गए सी तीजी बार आ गए सी MLA बन के बाद साहब मुख्यमंत्री बन के चौथी बार आ गए सी उस वेले अपोजिशन लीडर सी फिर की होया कि उन्होंने फैसला करता इन्हें इनू कहा कि 10 बजे दस्तखत कर दरबारा साहब ने कहा जी पानिया ते दस्तखत कहिंदा हाँ दस्तखत कर दर्शन सो हुंदा MLA जलंधर तो वो इनू लैके आ गया कि आपां 2 मिनट सोचण का मौका दे दे सोचण दे मौके ते आके मुड़ के कहिंदा तू ऐ कर अस्तीफा तो दे दे इस तो प्रधानगी तो दोने सी
लेकिन पहाड़िया का कह दे वो इस करके पहाड़िया के दस्खत अस्तीफा मंग के अस्तीफा लिया प्रधान का अस्तीफा दिता लेकिन चीफ मिनिस्टर रह गया उस वे इन्होंने केस पाया हूँ दसो मैं प्रेस को कहना चाहूँ कि एमरजेंसी केस असी दोबारा किया जो साढ़े सिर लाने ने वापस कांग्रेस ने लिया टक इंदिरा गांधी ने आके लिया वह भी सबू पता है तो जो टक लग्या उदो कपूरी तो फिर आल पार्टी मोर्चा पटियाले तो लाया पहला जथा हजार का लैके प्रकाश सिंह बादल कैद होया असी सारे पिछे सा 30,000 का कट सीगा टौरा साहब पिछे से सारे पिछे सा इस करके वीरो फिर नहर भी जो मोर्चा ना कपूरी लगता तो नहर तो निकल गई सी तुरे फिर अज मंगते इस करके कितने भी अकाली मैं थोनू वर्करां कहना चाहना तो नाल प्रेस नू कहना चाहना कितने रत्ती भर भी अकाली दल की गलती नहीं लेकिन 100 बारी झूठ बोलो सच हो जाता है झूठ का ठेका लै छड्या झूठ बोली जाओ हुण कांग्रेस भी बोली जाती यही बोली जाती है मैं हैरान हाँ वह आते असी पानिया के राखे हाँ जे कपूरी मोर्चा ना लगता तो फिर पानी कितने रह जाता निकल गई सी हुण तां तुरे फिरदे हुण तक फिर प्रकाश सिंह बादल ने आके वापस कीतिया नहरां दा वह जो जमीन वापस कीतिया सुन लो जो सरकारी मुआवजा जिमीदार ने लिया सी पंजाब गौरमेंट ने बाद साहब ने मुआवजा उन्होंने खजाने च पाता ता कि जिमीदार नूं देना पवे मुआवजा वापस करता जमीन जिमीदार नूं देती रही कख नहीं गया तो सारा अकाली दल करन वाला तो फिर वीरो अपना गुनाह कहदा ये मैं थानू कहना चाहुंदा सो मैं ये लफ्ज़ इन्ने कह के ज़्यादा नहीं चाहुंदा क्योंकि प्रधान साहब हुण डिटेल च गल करनगे सारी असी प्रेस नूं कहना चाहुंदे आ और भगवंत सिंह मान नूं कहना चाहुंदे आ मान साहब ये हुण चुटकलिया नाल नहीं कब चलना ये पंजाब उजड़ रहा है पंजाब बचाउण दा सवाल है इस करके आओ सारे पंजाबी इकट्ठे होके प्रधान साहब हुण अपील करनगे आपां पंजाब बचाईए नहीं पंजाब उजाड़ता इन्हां ने हर पक्षों इस करके पंजाब बचाउण वास्ते आप आओ पंजाबी इकट्ठे होके ये हक ते सच दी लड़ाई लड़िए इन्हां लफ्ज़ां बहुत धन्नवाद वाहेगुरू जी का खालसा वाहे फतेह हुण प्रधान साहब नूं सदा लगा।